Good evening, everybody. And again, thanks everyone to come at sharp 8 o'clock. जो कि इंदौर में सीएमईस के हिसाब से बड़ा अनयूजुअल है. इट डजंट कम एट टाइम. इन दिस एक्चुअली द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द प्रीवियस टू लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर अंकुर गुप्ता, हु हैज टेकन ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड मैनेजमेंट्स. सो इवन आई अटेंडेड बोथ ऑफ हिज लेक्चर एंड मेनी ऑफ द डीएम सुपर स्पेशलिस्ट अटेंडेड हिज लेक्चर्स एंड दे वर रियली फ्रूटफुल. So basically, knowledge is power. हम लोग रोज ICU settings में काम कर रहे हैं, ward setting में काम कर रहे हैं. सब कुछ पढ़ पाना खुद से संभव नहीं है. So कुछ ना कुछ learning यदि हमारी धीरे धीरे चलती रहे तो that will help us to improve our patient care, our knowledge. जैसा कहते हैं कि आंखें वही देख सकती हैं जो आपके दिमाग को पता हो. यदि किसी में कुछ गड़बड़, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं कि पेशेंट चेस्ट पेन के साथ कहीं पहुंचा, फिजिशियन ने जो भी डॉक्टर उसने ईसीजी एडवाइस किया, उसमें फ्रैंक एमआई था बट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. तो ऐसे टेस्ट एडवाइस करने का कोई मतलब नहीं है. सो दूसरा, ईसीजी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप लिक्विड प्रोफाइल एडवाइस करते हैं तो उसमें लिखा रहता है एलडीएल नॉर्मल रेंज 100 टू 160 और वो ब्लैक कर देता है, 100 से ऊपर होता है आपको पता चल जाता है ये एबनॉर्मल रीडिंग. ईसीजी में ऐसा कुछ नहीं होता. ईसीजी जस्ट अ ग्राफ, आपको उसको इंटरप्रेट करना है. कई बार आजकल कुछ मशीन्स जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उसमें एनालिसिस का भी सॉफ्टवेयर आ गया है, पर अमूमन वो भी गलत एनालाइज कर देती है. नॉर्मल ईसीजी को एक्यूट एमआई लिख देते हैं, पेशेंट घबराया हुआ सा घूमता रहता है. सो दूसरी चीज, ईसीजी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कि सबसे ड्रेडेड जो डिसीज है हार्ट अटैक, उसके लिए एक बेसिक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है जो कि अपने आप में बहुत चीप, बहुत सरल, बहुत क्विक और बहुत इंफॉर्मेटिव है. 10 मिनट में आप ईसीजी कर सकते हैं, 5 मिनट में ईसीजी कर सकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा ईसीजी करने को नहीं लगते. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेटिंग्स 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में ईसीजी हो जाता है और वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको डायग्नोसिस के लिए दे देता है. ईसीजी अपने आप में जब हमारी सीएसआई की मीटिंग होती है तो पूरा सिंपोजियम होता है. एक आदमी नॉर्मल ईसीजी पे बोलता है, एक अरिथमिया पे बोलता है, एक एमआई पे बोलता है, एक चैम्बर हाइपरट्रॉफी में बोलता है, एक ट्रेडमिल. सो बेसिकली मैं ट्राई करूंगा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके एंड आई विल आल्सो डिस्कस द क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट पार्ट हो, ताकि जो बेसिक आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो कवर हो सके. What is the most common indication to do an ECG? I think everybody agrees, chest pain. जब भी कोई chest pain के साथ आता है, हम कहते हैं वही ECG करा लो. And make it a point कि कभी भी कोई आपके पास chest pain के साथ आ रहा है, आप individual practice कर रहे हो सकते हैं, आप एक ICU में duty कर रहे हो सकते हैं, ward में आप duty कर रहे हो. अलग अलग तरह के पेशेंट रहते हैं, हो सकता है सर्जिकल पेशेंट हो सकता है किसी दूसरे, कार्डियक पेशेंट नहीं हो, न्यूरो पेशेंट हो, उसने कहा चेस्ट पेन हुआ, तो पहला रिस्पॉन्स आपका इवन कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करने के पहले ये होना चाहिए लेट डू एन ईसीजी. और अब आपने कर दो ली, यदि पढ़ने को आता है आपको, यदि समझ आता है तो एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट दैट दिस सी दिस दिस हैपेंड. और यदि आपको लगता है कि नॉर्मल है तो आप रात को फिजिशियन को नहीं भी जगा सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं पेशेंट को, एटलीस्ट काम कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये दर्द हो रहा है, ये लग रहा है कार्डियक नहीं है, नॉन कार्डियक.
सो व्हाट यू वांट टू नो, जो हमने ईसीजी किया है नॉर्मल है कि नहीं? वो लेके आते हैं लोग, साहब ये ईसीजी कराया नॉर्मल है कि नहीं, खराबी तो नहीं? यदि नॉर्मल नहीं है इज द प्रॉब्लम। सो दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। एक तो बेसिक क्लासरूम टीचिंग होता है कि ईसीजी की हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ, कैसे लीड प्लेसमेंट करते हैं, कैसे कैलिब्रेट करते हैं, नॉर्मल कार्डियक साइकिल क्या होता है, वेव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं, और एक बेसिक ईसीजी कैसे हम रीड करते हैं। Then we'll discuss some practical issues like most common MI and ischemia, approach to arrhythmias, chamber enlargement, hypertrophy, ventral branch blocks, electrolyte imbalance, pulmonary embolism, and normal variants. So ECG is basically जब भी कोई भी मसल contract करती है तो उसके पीछे एक action potential होता है, बहुत low voltage का, बहुत low voltage का। तो ECG क्या करता है कि उस चीज को एम्पलीफाई, जो ईसीजी मशीन रहती है उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है और वेव प्रोड्यूस करती है, ऑन वेव्स को हम रीड करते हैं। दिस इज अ हिस्ट्री शॉर्ट, जैसा आपको ने बोला 1877 में फर्स्ट ह्यूमन ईसीजी हुआ था, फिर उसके बाद से लगभग सारा क्रेडिट विलियम आइंकोवन को जाता है। इसको आइंकोवन ट्रायंगल भी बोलते हैं, किसी ने पढ़ा होगा कोई ईसीजी की रूप, तो जो लीड का बेसिक ट्रायंगल होता है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी 1924 में मिला, और 1938 में तो प्रॉपर ACC जो गाइडलाइंस होती है इंटरनेशनल, उसमें ECG का गाइडलाइंस आ गई। एंड कैन यू बिलीव, अभी हम ECG देखते हैं, आपको पाम टॉप भी आने वाला है, छोटा सा ECG जो बीजे पर रख के रीड कर लेगा। उस समय जो पहला ECG मशीन बना था वो 300 kg 3 क्विंटल का था, 600 pounds का। उसमें एक हाथ डाल रखा है उसने, एक पैर डाल रखा है ये इलेक्ट्रोड में, ऐसे उसको लेते हैं। ईसीजी सब में लगाते हुए देखा होगा कि एक बाएं पैर में लगाते हैं, दोनों पैर में लगाते हैं, दोनों हाथ में लगाते हैं, और फिर चेस्ट लीड लगाते हैं। सो बेसिकली ये हमारी 12 लीड सिस्टम बनाते हैं। जो लिंब लीड्स होती हैं ये फ्रंटल प्लेन को का वोल्टेज कवर करती हैं, और जो चेस्ट लीड होती है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का वोल्टेज कवर करती है। जो दोनों हाथ और पैर मिला के ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली वो वेव्स का जो है वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। एंड दीज आर द लिंब लीड्स। सॉरी, चेस्ट लीड्स। एंड दिस इज हाउ द लीड्स आर प्लेस्ड। यूजुअली सारे सेटिंग्स में नर्सिंग स्टाफ ECG करता है, पर अपने को पता होना चाहिए कि यदि कोई गंदरू है ठीक से नहीं लगाया तो उसे ठीक से लगाया कि नहीं लीड, इतना अपना पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो लीड होती है फोर्थ इंट्रोक्यूस्टल स्पेस में राइट टू द स्टर्नम, सेकेंड लेफ्ट टू द स्टर्नम, फिर हम लगाते हैं फोर्थ लीड वो फिफ्थ इंट्रोक्यूस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में, एंड सेम स्पेस में फिफ्थ में एंट्री एक्सिलरी लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन में V4, V5, V6 और V3, V2, V4 के बीच में लगाते हैं। ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है। आपने किसी भी फैकल्टी में पढ़ा हो, एनाटॉमी तो पढ़ी होगी, ऐसे नोड रहता है जो कि नेचुरल पेसमेकर होता है। उसके बाद डिफरेंट फ्रंट से होके जो करंट हो जाता है AV नोड पे, AV नोड पे थोड़ा सा डिले होता है, एवी नोड तो थोड़ा सा डिले होता है, एवी नोड से परकिंजे बंडल ऑफ फेस जो कि दो ब्रांच में डिवाइड होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच एंड देन स्मॉल परकिंजे फाइबर्स। इलेक्ट्रिकल हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि ऐसे हार्ट में चार चैंबर होते हैं एनाटॉमिकली, LA लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पर इलेक्ट्रिकली हार्ट दो चैंबर है, एट्रियम LA प्लस RA और वेंट्रिकल LV प्लस RV। बीच में एक फाइब्रस टिश्यू होता है, उसके थ्रू कंडक्शन नहीं होता है। जो AV नोड होता है सिर्फ उसी के थ्रू कंडक्शन नीचे जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चलता है, पहले एट्रियम आपके
आपके पोलराइज होते हैं तो पी वेव आता है, फिर वर्टल ऑफिस पे एवी रोड पे, एवी रोड डिले, पी आर इंटरवल, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन रिपोलराइजेशन में पी वेव गोज लाइक दिस। एक ईसीजी पेपर आपने देखा होगा, उसमें स्मॉल स्क्वायर रहते हैं, फिर एक बड़ा स्क्वायर रहता है, 5x5 का बॉक्स रहता है। तो जो पेपर की स्पीड रहती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड रहती है, और जो वर्टिकल कैलिब्रेशन रहता है वो 0.1 मिलीवोल्ट पर एमएम रहता है। तो हॉरिजॉन्टल यदि हम देखें तो एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड और एक लार्ज बॉक्स 0.20 सेकंड, वर्टिकली वन लार्ज बॉक्स 0.5 मिलीवोल्ट। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी इस कॉर्नर पे, देख रहे हैं जब भी ईसीजी शुरू होता है तो कैलिब्रेशन लेट जाता है। दिस शुड बी एग्जैक्टली लाइक दिस। यदि ये कैलिब्रेशन नीचे जा रहा है, डैम्प हो रहा है या ऊपर भाग रहा है, यदि ये दो स्क्वायर से कम या ज्यादा है, इसका मतलब कि आपकी स्टाइलेट जो है या तो बहुत ज्यादा फ्री है, पेपर पर ठीक से नहीं चल रहा, या बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। सो शुड ऑलवेज, या फिर कई बार बोलते हैं कि इसके तो वोल्टेज बहुत आ रहे हैं, हाफ वोल्टेज में लो, तो वो उसमें हाफ वोल्टेज में लेते हैं। हम बोलते हैं इसको डबल वोल्टेज में लो बहुत छोटे, तो हमको इसी पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो हम उसको ये सोच लेंगे कि इसके तो लो वोल्टेज आ रहे हैं, कहीं कड़ी का डिफ्यूजन तो नहीं है, जबकि इसी दिया गया है हाफ वोल्टेज में बिकॉज ऑफ टेक्निकल फॉल्ट। ये एक सिंपल ईसीजी साइकिल है, पी वेव है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस टी स्मॉल यू वेव ऑफ वेरी लो सिग्निफिकेंस, ये पी आर इंटरवल पीछे शुरू होता है या खत्म होता है, दिस इज क्यू आर एस, दिस इज एस टी सेगमेंट। तो वेव सेट कॉम्प्लेक्स, जैसा इसमें मैंने बताया, एक तो पांच वेव्स होती हैं, पी क्यू आर एस टी, पी आर इंटरवल, ST segment, 2D interval, P wave, मेरे ख्याल से जिसने भी ECG देखा होगा, पढ़ा होगा, सब कोई जानता है। P wave में आपको क्या देखना है? सबसे important है, P wave है कि नहीं है। यदि P wave है, तो rhythm atrial है, AV node के ऊपर से आ रही है। और फिर उसके कुछ क्राइटेरिया है कि वो साइनस से है कि इंफ्रा साइनस है, बट पी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो इट इज आइदर एट्रियल फिब्रिलेशन और जंक्शनल रिदम और सम लोअर वेंट्रिकुलर रिदम। फिर हम इसकी पोलैरिटी देखेंगे, यदि है तो वो रेगुलर है कि इरेगुलर है, कोई एट्रियल एट्रोफिक्स एट्रियल अरिथमिया तो नहीं है। एंड हाइट एंड विड्थ से आपको पता चलता है कि कोई एट्रियल एनलार्जमेंट तो नहीं है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। यूजुअली जो इसके पैरामीटर्स हैं, 3 स्मॉल स्क्वायर ड्यूरेशन से कम होता है 0.12 से, और वर्टिकली 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम होता है। बेस्ट सीन यदि आपको पीवीएफ की मॉर्फोलॉजी देखनी है तो लीड 2 में देखिए। क्यू वेव इज द फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन प्रायर टू द आर वेव। जो भी पहला डिफ्लेक्शन आर वेव के पहले आता है वो क्यू वेव होता है। Q-wave का as such कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इन केस ऑफ इस्चीमिया एंड MIK इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। सो व्हाट टू लुक फॉर, ये फिजियोलॉजिकल Q-wave है कि पैथोलॉजिकल Q-wave। पैथोलॉजिकल Q-wave पहले जो MI आजकल बोलते हैं ना, ST elevation MI, non ST elevation MI, ये क्लासिफिकेशन चेंज होते थे। पहले Q-wave MI बोलते थे, non Q-wave MI बोलते थे, आज से ज्यादा साल पहले, 8-10 साल पहले जब हम MI कर रहे थे, तो उसमें क्यों वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो इट शुड नॉट एक्सीड 0.03004 मिलीवोल्ट्स इन लेंथ और वन स्मॉल बॉक्स। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आर डिफाइंड एज दोस दैट आर 25% और मोर ऑफ द हाइट ऑफ आर वेव और ग्रेटर देन 0.04 सेकंड्स इन हाइट। दिस इज स्मॉल क्यू वेव। R wave is the major positive reflection,
and this is really the depolarization of bulk of the ventricle muscle. S wave is the negative deflection called the R wave. It represents the late depolarization of the last bit of the ventricular muscle. T wave represents the ventricular repolarization. And normally applied in lead 1, 2, 3 and VC to V6. Variable in other leads. T wave ka significance kahan aata hai? बहुत सारे पेशेंट्स नॉर्मल ईसीजी लेके आते हैं जिनमें टी इन्वर्टेड रहता है. सो बेसिकली इन्वर्जन ऑफ टी वेव इज अ मार्कर ऑफ ईसीजी, बट मेनी टाइम्स इट इज अ नॉर्मल वेरिएंट. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वेदर द इन्वर्टेड टी वेव और एबनॉर्मल टी वेव इज अ नॉर्मल वेरिएंट और इंडिकेटर ऑफ ईसीजी. एट एनी टाइम you are analyzing the ECG, always correlate the ECG with the clinical symptoms. Clinical symptom as well as patient profile. एक 25 साल की लड़की आती है, तो कि नॉन डायबिटिक है, नॉन हाइपरटेंसिव, कोई सिम्टम नहीं, बोलते हैं चेस्ट पेन हो रहा है, आपने ईसीजी किया, उसको टी वेव इन्वर्जन सारा प्रीकॉर्डली, इसमें V2, V3, V4, they are 99.9% normal. But at the same time, 70-year-old gentleman, history of diabetes, history of chest pain, history of angina, if he is having T-wave inversion, then it is definitely ischemic. So, कोई भी investigation अपने आप में complete नहीं है. You have to see it with clinical profile as well as patient profile. बहुत सारे लोग वो typhoid की report लेके आ जाते हैं. सब में positive आता है. वो बुखार ही नहीं होता, वो बुखार नहीं होता, वो टाइफाइड वो करा के आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट करा के आ जाते हैं. नॉर्मल टीवे में एसिमेट्रिकल, थोड़ा सा जो प्रॉक्सिमल लिम रहता है वो सेलो रहता है, नेजल स्लोप रहता है, इट्स एम्पलीट्यूड रेयरली एक्सीड 10 मिलीमीटर. एबनॉर्मल टीवे आर सिमेट्रिकल, टॉल एंड पीक, वाई बेसिक और इन्वर्टेड. In normal ECG, T wave usually follow the direction of QRS. If QRS upright है तो normally T V upright होगा. यदि QRS negative है तो T V negative होगा. जैसे इसमें आप देख सकते हैं, AVR में QRS negative है, T V negative है. बाकी जैसे इसमें QRS upright है, T is upright. The PR interval. This is the delay at AV junction. एट्रिया से साइनस नोड से पल्स चलता है, दो तीन फ्रंट से एट्रियम की मसल से होते हुए एवी नोड तक आता है, वहां थोड़ा सा उसका रेट स्लो होता है, देन इट इज कनेक्टेड टू वेंट्रिकल. फिजियोलॉजिकली इट गिव्स एट्रियम टाइम टू पंप एंड फिल द वेंट्रिकल विद ब्लड. पीआर इंटरवल में क्या देखना है? ड्यूरेशन देखना है. इसका ड्यूरेशन यूजुअली 0.12 से 0.2 मिलीसेकंड होता है. यदि इससे ज्यादा है तो इसका मतलब एवी कंडक्शन डिफेक्ट है. इट कैन बी अ मार्कर ऑफ डिजनरेटिव कंडक्शन सिस्टम और इट कैन बी अ मार्कर ऑफ एमआई इन एसोसिएशन विद अदर फाइंडिंग्स. ये मैंने आपको बता दिया. QRS complex total time of ventricularization. QRS में क्या देखना है? ECG हम सबसे पहले देखते हैं. सिस्टमेटिक अप्रोच बताऊंगा. QRS में देखना है आपको सबसे पहले कि विड्थ इसका नॉर्मल है कि नहीं है. 0.10 से 0.12 तक इसका विड्थ मैक्सिमम होता है. यदि ये वाइड है तो एबनॉर्मल है. नैरो है तो किसी किसी कॉम्प्लेक्स में किसी किसी कंडीशन में होता है, जैसे WPW सिंड्रोम में इज एबनॉर्मल. अदरवाइज यूजुअली इट इज वाइड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन. फिर हाइट देखना है, पोलैरिटी देखनी है. हाइट से यूजुअली हमको चैम्बर हाइपरट्रॉफी पता चलती है. एसटी सेगमेंट का क्या पैदल सिग्निफिकेंस है? नामी एमआई का एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है. सो बेसिकली इट इज फॉर डायग्नोजिंग एक्यूट एमआई, either ST elevation or ST depression.
कुछ चीजें ऐसा नहीं लिखी है जो बता रहा हूँ, एसटी सेगमेंट इज नेवर आइसोलेटेड, जैसे ही शुरू होता है इट स्टार्ट राइजिंग एंड देन इट मर्ज विद अप प्रॉक्सिमल लिंब ऑफ टी वेव, सो इवन अ फ्लैट एसटी सेगमेंट इज पैथोलॉजिकल, इवन अ फ्लैट एसटी सेगमेंट इज पैथोलॉजिकल, डाउनवर्ड तो है ही बट इफ इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट देन इट इज ऑल्सो मार्कर ऑफ इस्कीमिया. And these are the classical ST segment elevation you might have seen in patient of MI. अलग अलग morphology के हो सकते हैं, but these are all ST elevation MI. The thing is, you have to understand, in all cases, the S is not coming down to the baseline. ये यहीं से उठ जा रहा है, यहीं से उठ जा रहा है, यहीं से उठ जा रहा है. Once it comes down and then T is upright, then it is usually normal. It is not, जो मशीन पड़ती है ना वो कई बार एसटी एलिवेशन एमआई है एमआई, तो आपको देखना है कि whether this S is coming down to baseline, then it is elevating, then it is usually non-pathological. But without coming down, elevates, it's a marker of injury to the myocardium. QT interval, आप लोगों ने बहुत QT interval क्यूटीसी आप लोग आईसीयू में देखते हो, क्यूटी प्रोलॉन्ग है इसको एरिथमिया हो रहा है, सो क्यूटी इंटरवल का सिग्निफिकेंस बेसिकली बहुत सारे ड्रग एंड मोस्टली एंटीएरिथमिक ड्रग्स दे प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल इज मेजर्ड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ द टी वेव, इट इज टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन एंड इट इज रेट डिपेंडेंट, सो हम इसको करेक्ट करते हैं फॉर द रेट ऑफ द the patient, QT interval divided by under root of RR, RR means RR interval ka jo duration hai, and then we find a corrected QT interval. U wave is not much of significance and I will skip to discuss U wave, it is a repolarization wave after T wave, mostly not visible in normal ECG. So after this, how to read in an ECG? सबसे पहले आप रेट देखेंगे, यदि 60 से 100 के बीच में है तो साइनस रेट है नॉर्मल है, 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है, 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया है, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उसका रिदम देखेंगे, नॉर्मल साइनस रिदम है क्या या उससे कुछ अलग हटके हैं, और अलग हटके हैं तो वो क्या है, एट्रिया से रिदम आ रही है क्या या जंक्शनल टिश्यू से रिदम आ रही है क्या या वेंट्रिकल से रिदम आ रही है, राइट. देन जैसे हमने वेव मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, पी कैसा है, टी कैसा है, यू कैसा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा है, पीआर इंटरवल कैसा है, क्यूटी इंटरवल कैसा है, एसटी सेगमेंट कैसा है, सो जब आप बेसिक ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो यू वॉन्ट मिस द डायग्नोसिस. रेट में या तो नॉर्मल रेट हो सकता है या फिर टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूल ऑफ 300 है, जैसे ईसीजी स्ट्रिप है, एक दो आर इंटरवल, ये दो आर वेव है, एक दो तीन चार पांच ऑलमोस्ट 300 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 50 हार्ट रेट आ गया अपना. यदि तीन स्क्वायर के बीच में है दो क्यूआर इंटरवल क्यूआरएस तो 100 रेट हो गया. सो दिस इज द बेसिक ग्रॉस अंदाज लगा रहे कि भाई 75 है कि 80 है कि 90 है कि 100 है कि 100 से ज्यादा है, सो दिस इज द थंब रूल टू. देन ब्रेडिकार्डिया इट कैन बी अ नॉर्मल वेरिएंट, किसी एथलीट में होता है 50 भी रेट होता है, 55 भी होता है, 60 से कम हो सकता है, बट हमको ये देखना है कुछ पैथोलॉजिकल कॉज भी तो नहीं है. आईसीयू सेटिंग में बहुत सारे मेडिकेशंस रहते हैं, किसी को बीटा ब्लॉकर चल रहा होता है, दैट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया. देन बहुत सारे हमारे मेडिकल आईसीयू में केस आते हैं, कई बार ब्रेडिकार्डिया एक्सप्लेन ही नहीं होता,
रेट 50 चल रहा है उसको सब दे दिया. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपोथायरॉइडिज्म. रेज्ड आईसीडी इसको हम कसिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं. रेज्ड आईसीडी कॉजेज रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया. एंड सम टाइम इन लिवर डिजीज रेज्ड बिलिरुबिन कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया अगेन, टैकीकार्डिया इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ मार्कर ऑफ डिजीज. क्या है ये देखना है, फिजियोलॉजिकल है क्या, एक्सरसाइज एक्सर्ट करके आया है, चार सीढ़ी चल के आया है तो टैकीकार्डिया होगा, एंगजियस है पेशेंट तो टैकीकार्डिया होगा, फीवर. एंड देन मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशन, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, रीनल फेलियर हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, हाइपोक्सिया हो, थायरॉइडोसिस, दे विल ऑल कॉज टैकीकार्डिया एज अ साइन बाय विच टैकीकार्डिया मैकेनिज्म बाय विच हार्ट ट्राई टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. देन हमको रिदम देखना है कि रिदम साइनस है कि नहीं. आई विल एक्सप्लेन द व्हाट इज द बेसिक साइनस रिदम. रिदम एक तो नॉर्मल साइनस रिदम हो सकती है, या तो एक्टोपिक एट्रियल रिदम हो सकती है, या जंक्शनल रिदम हो सकती है, या फिर वेंट्रिकुलर रिदम हो सकती है. एना नॉर्मल साइनस रिदम पी वेव इज अपराइट इन 1-2 एबीएल. यूजुअली पी वेव होती है और अपराइट होती है. पीपी इंटरवल और आरआर इंटरवल कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा. रेट जैसा कि बताया 60-100 पर मिनट होगा. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लिमिट में होगा, नैरो होगा. और पी क्यूआरएस का रेशियो सेम होगा, जितनी पी होगी उसके उतने क्यूआरएस होंगे. देयर वोंट बी एनी मिस आउट. पीआर इंटरवल नॉर्मल होगा, कांस्टेंट होगा. नॉर्मल साइनस रिदम क्या 12 लीड ईसीजी विद नॉर्मल साइनस रिदम. देन कम्स एक्सिस. एक्सिस की हम लोग लिटरेचर में बहुत बात करते हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सिस वरी करते हैं. नॉर्मली एक्सिस मींस कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो किस डायरेक्शन में है. एंड यूजुअली जो लीड टू का डायरेक्शन होता है 60 डिग्री पॉजिटिव, वही यूजुअली एक्सेस होता है हार्ट का 60 डिग्री. और उसकी रेंज होती है -30 से 90 डिग्री तक. ये दिस इज द नॉर्मल एक्सेस ऑफ हार्ट 60 डिग्री. यदि -30 से ऊपर जाता है उसको लेफ्ट एक्सेस डेविएशन बोलते हैं, 90 से ज्यादा होता है तो राइट एक्सेस डेविएशन बोलते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीड वन एंड लीड एबीएफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम देखते हैं कि लीड वन में पॉजिटिव जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है कि नहीं. मेजर डिफ्लेक्शन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. लीड वन में देख लिया, लीड एबीएफ में, दोनों में पॉजिटिव है तो नॉर्मल एक्सेस है. लीड वन में पॉजिटिव है, एबीएफ में नेगेटिव है तो लेफ्ट एक्सेस डेविएशन ऊपर चला गया, और अदरवाइज राइट एक्सेस डेविएशन. सो नॉट मच टू, जैसे कि ये लीड वन है पॉजिटिव, लीड एबीएफ है नेगेटिव, इट शुड बी लेफ्ट एक्सेस डेविएशन. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो डे टू डे प्रैक्टिस में हम काम में आता है ईसीजी का, वो है इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन. इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक तो पेशेंट इतना क्लिनिकली प्रेजेंट करता है कि आपको ईसीजी की जरूरत ही नहीं होती, आप बता देते हैं कि एमआई है, चेस्ट पेन है, परस्पिरेशन है, रेस्टलेसनेस है, एंड एवरीथिंग इज मतलब क्रिस्टल क्लियर, ईसीजी इज जस्ट टू बी डन टू कंफर्म. दूसरा जो सबसे कठिन सिनेरियो होता है कि साहब देयर इज सम हैवीनेस, देयर इज सम अनइजीनेस फॉर सम ड्यूरेशन, आज से नहीं 5-7 दिन से है, 10 दिन से है, 15 दिन से है. सो वहां एक अपने को डायग्नोस्टिक वो आता है. एक्यूट टेस्ट के लिए वैसे एमआई तो आप ईसीजी पे मशीन ही बता देती है, खास से छोटी छोटी सी मशीन पर भी आजकल वो आने लगे हैं तो एक्यूट एमआई. सो इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन यूजुअली जो
आर्टरीज तो एपिकार्डियल रहती हैं, पर जो ब्लड का सप्लाई होता है वो एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ होता है। सो एसटी सेगमेंट जो बताता है वो करंट ऑफ इंजरी बताता है। टी वेव के इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन होते हैं वो करंट ऑफ इस्कीमिया बताते हैं, और एसटी क्यू वेव जो होता है वो करंट ऑफ इन्फार्क्शन, मतलब वो इन्फार्क्ट हो गया, करंट खत्म ही हो गया वहां पे। So, STL दो MI को दो क्लिनिकली, CD को क्लिनिकली हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। एक क्रोनिक स्टेबल एंजाइना कि जिसमें हम चलते हैं तो दर्द होता है, बैठते हैं तो ठीक हो जाता है, या सॉल्वेंट ले तो ठीक हो जाता है। दिस इज क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। ब्लॉकेजेस हैं मे बी 70%, 80%, 90%, वट एवर, बट वो एक्यूट नहीं है, कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है, वो उसका एंडोथीलियम जो है उसको प्लाक को अच्छे से उसने कवर कर रखा है। दूसरा होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था 10-15 दिन पहले तक, अभी से क्या हो रहा है कि पहले तो मैं 2 किलोमीटर चल लेता था, अब मैं आधा किलोमीटर ही चलता हूँ मेरे को तकलीफ होने लगती है। सो दिस इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। या तो भी कि अभी तक तो मैं एकदम ठीक से बैठा था एंड सडनली आया है स्टार्टेड हैविंग पेन, सो दिस इज एक्यूट MI। तो इसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, ST elevation MI और नॉन ST elevation MI। दोनों में फिजियोलॉजी सेम है, देयर इज नैरो प्लाक रप्चर, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो, बट दोनों का मैनेजमेंट अ बिट डिफरेंट। ST elevation MI में एक हाइपर एक्यूट फेज होता है, ST उठे हुए हैं, T एकदम अपराइट है, एक एक्यूट फेज होता है कि भाई 3-4 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए हैं एक्यूट फेज, और एक इवॉल्व्ड MI 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, QS पैटर्न बन गया है, कल दर्द हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा सा तो है पर उतना ज्यादा नहीं है। तो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ एक्यूट ST elevation MI। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि वॉट टू डू। यदि एक्यूट फेज है, एक्यूट हाइपर एक्यूट फेज है, तो आपको थ्रोम्बोलाइज करना है पेशेंट को, या थ्रोम्बोलिसिस, या जहां पामी की फैसिलिटी है तो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस और वेदर टू डू एन पामी। एंड हाइपर एक्यूट फेज में सबसे ज्यादा इवेंट होते हैं अरिथमिया के। तो जब भी कोई एक्यूट MI का पेशेंट आता है तो हम कहते हैं कि भाई इसके पास डीफैब रख दो, क्योंकि इसको कभी भी अरिथमिया VTVL हो सकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेजेस। अगेन the morphology of ST segment here, they are different, the morphology can be different but the pattern is same. ये hyper acute T waves हैं। कई बार clinically patients को classical pain होता है, diaphoresis, but मान लो आप घंटे के अंदर ही आ गया, हॉस्पिटल में ही बैठा था, किसी और काम से हॉस्पिटल के आसपास ही था और उसको चेस्ट पेन हुआ, ECG किया, तो तब तक फुल ब्लोन चेंजेस ऑफ ST elevation नहीं आते, सिर्फ हाइपर एक्यूट टी रहेगा। देन दैट केस वी हैव टू वेट, वी हैव टू डू अ सीरियल ECG। यदि क्लिनिकली आप श्योर हैं, पेशेंट श्योर है कि भाई दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परस्पिरेशन हो रहा है, तो समटाइम्स दिस हाइपर एक्यूट टी वेव कैन बी इनिशियल मार्कर and the later on ST elevation develops. फिर एक ECG के हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा MI है, है ना? तीन मेजर वेसल्स होती हैं, LAD होती है, LCS होती है, RC होती है। कई बार ब्रांच में भी होता है, OM में हो गया, डायगोनल में हो गया, बट मेजोरिटी थी। सो हाउ वी डिवाइड दीज लीड्स, V1 और V2 usually they are such place that they looks more on septum, so they are called septal leads. V3, V4 anterior leads, 1 AVL, V5 and V6 ये laterally देखती हैं, they see the heart from lateral, so anterolateral leads, and 2-3 AVL they are inferior leads. Anterior wall MI, V2, V3, V4,
कंजक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ट्रांसेंडिंग आरटी। कई बार ओवरलैपिंग होता है, यदि प्रॉक्सिमल एलईडी ऑक्लूड हो रही है, डायगोनल भी लेटरल वॉल को सप्लाई करती है, तो पूरा V1 से लेके V6 तक 1 AVL तक एलिवेशन मिल जाएगा। सो दैट इज एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI। कई बार आरसी इतनी बड़ी होती है कि इनफीरियर सरफेस के साथ साथ वो एंट्रियल लीड्स में भी चेंजेस या बहुत लेटरली जा रही है, तो V5 V6 में भी एलिवेशन आ सकता है। दिस इज सर्कम्प्लेक्स, यूजुअली 1 AVL एंड V5 V6 inferior 2-3 AVF. So again the summary of the leads, and these are the typical ECs of anterior wall MI. ये जो है ये आपका QS Q बन गया है, Q और S merge हो गया है, so this is usually a evolved phase. ST अभी भी उठा हुआ है of some duration, but ये hyper acute phase नहीं है, ये evolved MI हो गया है। Similarly, this inferior wall MI, evolved MI, QS complex आ गया है। Again, ECG of anterior wall MI, then NST MI. Usually, जैसे मैंने बोला ना, flattening of ST is also significant. Usually, ST J point से T में मिल जाता है यहाँ से ऐसे। यदि ये depress हो रहा है, flat हो रहा है, down slope हो रहा है, तीनों चीजों में दिस इज अ मार्कर ऑफ इस्कीमिया। डाउन स्लोपिंग, अप स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली हियर डाउन स्लोपिंग एस्टी डिप्रेशन। सो क्लिनिकली जैसे मैंने एसटी एलिवेशन एमआई में बताया, सम टाइम एनएसटी एमआई या अनस्टेबल एंजाइना में भी ईसीजी कैन बी डिसेप्टिव। Any investigation is not 100% sure, and किसी की sensitivity 90% होगी, किसी की 95% होगी, but 100% sensitivity usually किसी भी investigation की नहीं होती है। So again we have to rely on our clinical judgment. कई बार ECG normal हो सकता है and you will have to wait two changes to come. कई बार होता है ना कि pneumonia में आता है patient पर X-ray में नहीं आता, एक दिन बाद आ जाता है, white हो जाता है, तो ऐसे ECG में भी कई बार होता है। फिर NST MI can any time, क्योंकि प्लाक रप्चर हुआ है, there is narrowing, there ongoing process of thrombus formation. So any time that subtotal occlusion can convert into total occlusion, so that NST MI can any time convert into ST elevation MI. यदि NST MI है तो guidelines कहती हैं कि early invasive strategy, अपन कहते हैं ना कि भाई heparin दे दो, लोड कर दो, फिर एंटीजन दे दो, ये सब दे दो, ठीक है, उससे सिम्टम रिलीफ होते हैं, बट गाइडलाइन कहती है कि यू हैव टू गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन ACS केसेस एंड दे विल डेफिनेटली रिड्यूस द मॉर्टेलिटी। इन NSTMI इको कैन बी नॉर्मल, क्योंकि ट्रांसम्यूरल इंफेक्शन नहीं है तो RWA में नहीं आता, एंड समटाइम्स बायोमार्कर कैन बी हेल्पफुल। यदि क्लिनिकली पेशेंट को टिपिकल चेस्ट पेन है, ECG नॉर्मल आ रहा है, आपका इको भी नॉर्मल है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बायोमार्कर विल हेल्प एंड ट्रॉप आई और CGMP विल बी पॉजिटिव। सो आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ECG। चेंबर एनलार्जमेंट हम ECG से डायग्नोस कर सकते हैं, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, एक्चुअली वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है और एट्रियल का एनलार्जमेंट होता है। एट्रियम इज लाइक अ पेपर लाइक स्ट्रक्चर, बलून है, बलून की वॉल थिक नहीं हो सकती, आप दोबारा उसमें ओवरलोड करोगे तो इट विल एनलार्ज बट इट विल नॉट बी हाइपरट्रॉफी, मोटा नहीं होगा। सो इसलिए हमको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी नहीं बोलते हैं, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी नहीं बोलते हैं, से LAE, left atrial enlargement or right atrial enlargement. So the criteria are left atrial enlargement का P wave का जो notch रहता है वो 0.04 सेकंड से ज्यादा का हो जाएगा, या तो V1 में terminal force, ये जो P wave usually single notch होता है, ये दो notch आ जाएंगे इसमें, और इस notch की width जो है 0.04 से ज्यादा हो,
दिस इज लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, या तो V1 में टर्मिनल डिफ्लेक्शन है, इसका डेप्थ बढ़ जाएगा. कॉजेज ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, मोस्ट कॉमन माइट्रल स्टेनोसिस इन आवर सेटिंग, रूमेटिक हार्ट डिजीज बोथ MS एंड माइट्रल रेजिस्ट्रेशन, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरटेंशन, और जिस कंडीशन में भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी वो रिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, क्योंकि LA हैव टू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल एंड दैट विल क्रिएट अ बैक प्रेशर ऑन LA एंड दैट इट विल ग्रेजुअली एनलार्ज. देन राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, इसमें यूजुअली पी वेव का हाइट बढ़ जाता है more than 2.5 millimeter and usually it is found in corpuscular sort of setting, and there are some situation like tricuspid dyssynosis, pulmonary stenosis, COPD, pulmonary hypertension, jisme bhi right ventricular hypertrophy hogi usme RE ho jayega. Then LVH is a very common condition jo ki hum ECG se diagnose kar sakte hain. LVH सबसे कॉमन कहां मिलता है? जहां भी लेफ्ट वेंट्रिकल को अगेंस्ट हाई प्रेशर पंप करना पड़ेगा. मोस्ट कॉमन कंडीशन इज हाइपरटेंशन, या तो aortic stenosis हो, या तो coaptation of aorta हो, और देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरिया टू डायग्नोज LVH ऑन ECG. मोस्ट सिंपल आर V1 में R और V5 और V6 में S and V1 and R and V5 और V6 इनका यदि sum more than 35 है LVH, या तो S and V1 individually more than 25 और R and V5 और V6 more than 25 and this LVH. एक AVL का क्राइटेरिया भी है कि R wave of 11 to 13 millimeter or more than AVL is another sign of LVH. Most commonly we use this so-called line criteria kehlata hai. See, this is a typical ECG. Now, again here, downsloping changes, ST depression, T-inversion. So, ek differential diagnosis aata hai, kai baar, humko jab opinion ke liye bulate hain, ki saab isme ECG changes hain, aise bolta hai PSC mein. So, now I have to decide whether these changes are estimate or they are just a straight pattern, we call it left ventricular straight pattern. In mind it, although there is no obstruction, obstructive coronary artery disease, but ye phir bhi ischemia batata hai. Kyun? Kyunki because of LVH, LV ka mass badh gaya hai, uska blood ka oxygen ka requirement badh gaya hai, utna usko blood nahi milta, to relative ischemia usko hota hai. Isliye ye changes to ischemic hi hote hain, but without any obstructive coronary artery disease. So, as I told, hypertension is the most common cause, aortic stenosis, aortic insufficiency, hypertrophic cardiomyopathy, mitral regurgitation, coaptation of aorta, sometimes physiological because of thin chest wall. बहुत बार एक hypertrophic cardiomyopathy का ECG आपके पास आता है जिसमें deep symmetrical T-wave inversion रहते हैं. And most of the time we confuse it with MI, acute MI, NST-MI. It is usually hypertrophic cardiomyopathy. LV with LV straight pattern like this. Then how to differentiate it? In LV straight pattern, you will find these changes in almost all the 12 lead. There is LVH, increased voltage of R wave or S wave, whatever depending on the lead. And there is T wave inversion opposite to the direction of prominent QRS complex. यदि किसी का QRS prominent downward है, तो T upright and tall like this. Upright हो रहा है, tall हो रहा है. इसमें downward और deep हो रहा है. So this is LVH with stent pattern. Then right ventricular hypertrophy, usually not a very frequent finding, but yes, R wave is prominent in V1 and V2, S wave is smaller in V1 and V2.
S will become prominent in V5 and V6, which is not normally seen. This is RVH. Again, jo RVO outflow tract obstruction only that will create RV hypertrophy like COPD, chronic obstructive pulmonary disease, primary pulmonary hypertension, pulmonary embolism, mitral stenosis, chronic liver failure. Tricuspid regurgitation, ASD, pulmonary stenosis, all right-sided disease or ultimately causing right side overload. This is your right ventricular hypertrophy, prominent R and V1. Then bundle branch block. So you can remember the first हम बार बार बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं ना. सो व्हाट इज इट? ऐसे नोड इधर से आया, ये एबी नोड है, दीज आर द बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच. सो यदि बिकॉज ऑफ एनी रीजन द कंडक्शन इन दिस ब्रांच इज स्लो, वी कॉल इट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. बिकॉज ऑफ एनी रीजन इसमें यदि स्लो हुआ तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. So basically bundle block का आइडिया ये है. नॉर्मल QRS ड्यूरेशन क्या होता है? अप टू 0.12 सेकंड. यदि QRS ड्यूरेशन से ज्यादा है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक है, मींस उसमें कंडक्शन कहीं ना कहीं स्लो हो गया है. तो वो क्या होगा, सपोज लेफ्ट बंडल में कंडक्शन स्लो हो गया या बंद हो गया, तो पहले राइट से राइट तरफ जाएगा, फिर वहां से करंट होके लेफ्ट में जाएगा. तो पाथवे लंबा हो गया, पहले एक साथ जा रहा था तो QRS नैरो था, अब उसको लंबा डिस्टेंस करके करंट को जाना पड़ रहा है तो QRS भी वाइड हो रहा है. दैट इज कॉल्ड बंडल ब्रांच ब्लॉक. सो बेसिकली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जो बेसिक मॉर्फोलॉजी रहेगी, लाइक V1 में S प्रोमिनेंट रहता है, V6 में R प्रोमिनेंट रहता है, ये वाइड हो जाएगा, पोलरिटी चेंज नहीं होगी और देयर इज अ रेसिप्रोकल टी वेव इन्वर्जन और डीपनिंग like in LVH tail pattern. Significance is that there is some tissue damage. There is some damage to the bundle branch, either because of degenerative changes, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, धीरे धीरे bundle branch भी fibrous हो जाते हैं, age related changes होते हैं, या तो कुछ infarction हुआ है जिसकी वजह से वो damage हो गया है. Usually RBB जो LDB जो होता है, यूजुअली या तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन या MI की वजह से, नॉर्मल वेरिएंट इज यूजुअली लेस. कई पेशेंट देखते हैं जिनमें सब कुछ ठीक चलता है बट LVB पैटर्न आता है, बट इट इज नॉट वाइज टू से नॉर्मल वेरिएंट, कहीं ना कहीं इसमें कंडक्शन तो कम हुआ है. सो आइदर इट इज इडियोपैथिक डिजनरेशन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम और सम कार्डियोमायोपैथी or ischemic heart disease or anything leading to left ventricular hypertrophy which is causing damage to the conduction system. Then right bundle branch block. Typically we found a RRS pattern in V1 and a S wave in V6. Jahan left bundle branch block is a marker of LV hypertrophy, but right bundle branch block is a marker of RV dilatation. RV is also like is not a very muscular structure. जैसे atrium से तो muscle mass ज़्यादा होता है, but basic pump is LV. RV तो
एल भी बहुत बाद में डायलेट होता है, जब पहले हाइपरट्रॉफी हो जाता है, उसके बाद जब उसमें प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड होता है तब जाके डायलेट होता है, बट एनी प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड यूजुअली डायलेट आरबी। सो आरबी आरबीबी इज यूजुअली प्रोलॉन्ग, उसका पाथ प्रोलॉन्ग हो गया, ब्लॉक नहीं हुआ है पर लंबा डिस्टेंस लंबा हो गया, क्योंकि एल भी लंबा हो गया तो उसको करंट को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, इसलिए आरबीबी है। इसलिए आरबीबी नॉर्मल वेरिएंट आरबीबी में ज्यादा मिलेंगे। बहुत बार आरबीबी के लिए हमारे पास पीएससी के लिए एनएसटेट भेज देते हैं कि भाई इसमें इसी में आरबीबी आ रहा है, उसमें क्या करना है, तो यूजुअली आरबीबी इज रिलेटिवली बेनाइन देन एलबीबी। एलबीबी इज मोर डेंजरस, मोर सीरियस मार्कर ऑफ कंडक्शन सिस्टम रादर देन आरबीबी। देन जो हमने नॉर्मल साइनस रिदम डिस्कस किया था, उससे यदि कोई भी रिदम डिफर करती है तो उसको हम अरिथमिया बोलते हैं। अरिथमिया इंपल्स ओरिजिन की वजह से हो सकता है, इंपल्स कंडक्शन की वजह से हो सकता है। सपोज नॉर्मल ओरिजिन साइनस रिदम का ऐसे नोड से होता है, यदि वहां से ओरिजिन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ऐसे नोड डिस्फंक्शन है बिकॉज ऑफ इस्टीमिया, बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, तो वो इंपल्स कहीं नीचे से जनरेट होगा, या तो एट्रियम की वॉल से जनरेट होगा, या जंक्शनल टिश्यू से जनरेट होगा, या वेंट्रिकल टिश्यू से जनरेट होगा। तो एनीथिंग विच इज अदर देन नॉर्मल साइनस रिदम इज एरिथमिया। हम उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, हम उनको सुप्राविकुलर और एट्रियल एरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया ऐसे कर सकते हैं, हम उनको नैरो क्यूआरएस वाइड क्यूआरएस एरिथमिया ऐसे कर सकते हैं, हम उसको ब्रेडी एरिथमिया टैकी एरिथमिया ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। करें हम कैसे भी क्लासिफाई, बट बेसिक थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो जैसे हम एक क्लासिफिकेशन इसमें देख रहे हैं, या तो फास्ट वर्सेस स्लो, ब्रेडी एरिथमिया टैकी एरिथमिया, क्यूआरएस विड्थ, नैरो क्यूआरएस और वाइड क्यूआरएस। मोस्ट ऑफ द टाइम सुप्राविकुलर एरिथमिया विल बी नैरो क्यूआरएस, क्योंकि ओरिजिन जरूर साइनस नोड से नहीं हो रहा है, बट कंडक्शन उसका जो पाथवे है एवी नोड के नीचे वो नॉर्मल है, सो इट इज अ नैरो क्यूआरएस एरिथमिया। एनी इंपल्स विच इज ओरिजिनेटिंग बिलो द एवी नोड विल बी वाइड क्यूआरएस, क्योंकि वो पहले एवी नोड में जाएगा या तो दूसरे बंडल में जाएगा, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट से जनरेट हो रहा है तो फिर वो लेफ्ट से आके पूरे राइट में पोलराइज करेगा मसल को। यूजुअली दोनों पाथ भी एक साथ चलते हैं, एक साथ कंडक्शन जाता है, एक साथ पोलराइज होते हैं, बट यदि कहीं एक तरफ से इंपल्स आ रहा है या दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसको पूरा ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो वाइड क्यूआरएस हो जाएगा। सिंपल एट्रियल अरिथमिया में कई बार होता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, usually it is found in condition of hypoxia, जो कि COPD के cases रहते हैं, या hypoxia किसी भी वजह से sinus node dysfunction हो जाता है, atrium में multiple pacemaker आ जाते हैं, तो कभी LA से generate हो रहा है impulse, कभी RA से हो रहा है, कभी LA inferior surface से हो रहा है, कभी superior, तो P की morphology आपको different मिलेगी, but उसके बाद conduction जो AB node के through है वो normal मिलेगा। So basically multifocal atrial tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, these are the most important atrial arrhythmias। ये जैसे कि multifocal atrial tachycardia है, यहाँ पे नीचे से आ रही, ये ऊपर अपराइट होगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो तीन से ज्यादा मॉर्फोलॉजी की यदि पी आपको मिल रही है तो इट इज मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। फ्लटर, फ्लटर का बहुत करेक्टर करैक्टरिस्टिक साइन जो है वो ये है कि जो ईसीजी का ट्रेसिंग है इट विल नेवर टच बेस लाइन, कभी आइसोइलेक्ट्रिक कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी, अनड्यूलेटिंग ही रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। और यूजुअली फ्लटर में क्या होता है, कंडक्शन जितनी पी वेव आ रही है उतनी सारी कंडक्ट नहीं होती है, दे आर कंडक्टिंग इन अ रेशियो,
ये दो आ रही है तो दो में से एक 2:1 कंडक्शन या 4:1 कंडक्शन या 6:1 कंडक्शन। QRS नैरो रहेगा बट P का जनरेशन एबनॉर्मल है, इसका कंडक्शन 6:1 है, इसका AB नोड भी खराब है, तो P तो ज्यादा आ रही है पर ये कंडक्ट कम रेट पे कर पा रहा है। देन मोस्ट कॉमन एरिथमिया आई थिंक we see in ICU settings or any OPD setting, it is atrial fibrillation. Very important to diagnose and very important to treat as well. Kyunki atrial fibrillation is usually not a normal variant. It is a marker of some underlying disease. Wo kya ho sakti hai? Atrial fibrillation फास्ट हार्ट रेट के साथ भी हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन स्लो हार्ट रेट के साथ भी हो सकता है। एट ए टाइम बहुत सारे जो इंपल्स हैं वो एट्रिया से आ रहे हैं और एवी नोड पे बम्बार्ड कर रहे हैं। अब वो एवी नोड की मर्जी है कि वो कितने आगे ट्रांसमिट करे, दैट डिपेंड्स ऑन वो यदि बीटा ब्लॉकर ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है तो एवी नोड का रेफ्रेक्टिवनेस बढ़ जाता है तो वो कम कंडक्ट करेगा, डिजॉक्सिन ले रहा है। तो दो जो बहुत कॉमन सिनेरियो है एट्रियल फिब्रिलेशन के जो हमारी सोसाइटी में, यदि किसी को आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, अ 30 ईयर ओल्ड लेडी एएफ फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, ब्लड प्रेशर 90/60, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? यस, तो सिंपली हम लोग जब ओपीडी सेटिंग में बैठते हैं और ईसीजी देखते हैं तो विदाउट स्टेथोस्कोप इफ यू सी अ पेशेंट हिस्ट्री ऑफ डिस्निया, बीपी लोअर साइड मे बी 90 मे बी 100 एंड एएफ विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, इट मे बी अ अनडायग्नोस्ड केस ऑफ रिमेटिक हार्ट डिजीज, मे बी माइटल स्टेनोसिस, मे बी माइटल रिगर्जिटेशन, मोस्ट कॉमनली माइटल स्टेनोसिस। सेकंड सिनेरियो एट्रियल फिब्रिलेशन विद हाई ब्लड प्रेशर, जब एट्रिया का मास एनलार्ज हो जाता है, एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं और उसमें जो उसका जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है वो एब्नॉर्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है और मल्टीपल फोकस उसमें ओरिजिनेट होने लगते हैं। सो द मोस्ट टू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। रूमेटिक हार्ट डिजीज दोनों चीजें डायग्नोस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर तो बहुत कॉमन है, वही ब्लड प्रेशर देखते ही है, सब वाइटल्स मॉनिटरिंग होती तो पता चल जाता है, बट रूमेटिक हार्ट डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस। यदि माइटल स्टेनोसिस है, माइटल रिजेक्शन है, आपने बीपी कम के लिए फ्लूइड दे दिया उसको तो वो फेलियर में चली जाएगी। दूसरी चीज जो एट्रियल फिब्रिलेशन डायग्नोस करने के लिए जरूरी है वो है एंटीकोगुलेशन, है ना? यदि किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेदर इट इज परमानेंट और वेदर इट इज इंटरमिटेंट, ही रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। सो it is very important if you are seeing a ECG and if it is atrial fibrillation, it is very important to diagnose it. Second thing, atrial fibrillation chronic hai ki acute hai? Usually chronic atrial fibrillation with enlarged atrium, they do not revert to normal sinus rhythm. You better control the rate either by beta blocker or by the calcium channel blocker or by digoxin. At the same time, you have to give anticoagulation. कई बार आईसीयू सेटिंग में एक्यूट ऑनसेट एएफ होता है जो कि हम रिवर्ट कर सकते हैं नॉर्मल साइनसिज्म पे, आइदर बाय कार्ड्रोन बोलस और बाय समटाइम्स कार्डियोवर्जन। बट उसमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम उसको कार्डियोवर्जन कर रहे हैं या कार्ड्रोन दे रहे हैं तो पेशेंट शुड बी प्रॉपरली एंटीकोगुलेटेड, अदरवाइज कैन कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक। P
पीएसबीटी एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो पेशेंट आते हैं हमारे पास। क्लिनिकल सिनेरियो रहता है सडन ऑनसेट पैल्पिटेशन, और क्लिनिकली वो स्टेबल रहते हैं। बीपी आप देखेंगे तो 100-110 आएगा, बहुत ज्यादा उनको चेस्ट पर परस्पिरेशन नहीं है, सिंकप ही नहीं है, बट दे आर फीलिंग ऑफ, उनसे पूछेंगे ट्रेन जैसा धड़ 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 चलता रहता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सुप्राविंटिकुलर टैकीकार्डिया। इट इज बिकॉज ऑफ अ एबनॉर्मल पाथवे अलोंग विद एबी नोड। तो जो 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 सर्किट ऐसे नोड से लेके एबी नोड और वेंट्रिकल से बनता है, वो सर्किट हमारा एबी नोड के आसपास ही बन जाता है, सर्कस मूवमेंट होता रहता है, और वो हार्ट रेट उसका 250 से 300 के पास, 150 से 250 के बीच में पहुंच जाता है। देन पीएसबीटी का ट्रीटमेंट आई थिंक एवरीबॉडी नोज, यूजुअली वी गिव रेट लोअरिंग ड्रग आइदर एडिनोसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक डिल्टियाजेम और वेरापामिल और अ बीटा ब्लॉकर। समटाइम्स दे आर सो फ्रीक्वेंट सो रेजिस्टेंट टू मेडिसिंस देन दे रिक्वायर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द एबनॉर्मल पाथवे। देन देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड WPW सिंड्रोम, यू माइट हैव हर्ड इट। It is a very classical pattern of short PR interval with a delta wave on QRS, an R wave. So it is also a type of reentrant tachycardia, supraventricular tachycardia, but it is more dangerous than simple PSVT because if there is atrial fibrillation and the pathway, the conduction goes through the abnormal pathway, the patient will go into ventricular fibrillation, which is a life-threatening condition. So never ever revert a arrhythmia of WPWB syndrome, usually it require cardioversion and mostly they require radio frequency ablation for the future. This is a classical ECG of WPWB syndrome. You can see there is no PR interval, P and R, and there is a slur on the R wave, this is called delta wave. Then bradyarrhythmias. Bradyarrhythmias are relatively easy to diagnose. At least हमको ये तो पता तो चल जाता है कि इसको bradycardia है। अब वो bradycardia sinus bradycardia है, कि six sinus syndrome है, कि AB block है, इसको diagnose करना है। Sinus bradycardia, क्योंकि every P is followed by a QRS. There is no PQRS drop. So it is a sinus bradycardia. It can be physiological or it can be due to drugs or some other etiology. This is junctional rhythm, junctional bradycardia. Because of some reason, there is a sinus arrest and the escape rhythm is from junction. You are not able to see any P wave here. So this is junctional rhythm and junctional bradycardia. Then comes SA block. जैसे AB block होता है वैसे SA block भी होता है। तो यहाँ P बनी, QRS आया, T आया, ये यहाँ गायब हो गया। तो P आई नहीं यहाँ पे, P आई नहीं तो QRS नहीं आया, फिर अगेन P आ गया। अब यदि ये पॉज काफी लंबा हो जाता तो जो इंफ्रा नोडल पेसमेकर रहते हैं दे कुड हैव टेकन चार्ज, बट उस रेट से, क्योंकि जो हमारा साइनस नोड पेस करता है वो 60 से 100 के रेट पे पेस करता है, यूजुअली जंक्शनल 40 से 60 के रेट पे पेस करता है, वेंट्रिकुलर 20 से 30 के रेट पे पेस करता है, वो इननेट पेसमेकर रहते हैं। सो दिस इज SA block and the current nomenclature is sinus node disease. पहले six sinus syndrome बोलते थे, tachybrady syndrome, बहुत सारे नाम इसके nomenclature होते थे sinus node disease के, but current nomenclature sinus node dysfunction. Sinus node का dysfunction है, वो first degree है, second degree है, third degree है, this matter of electrophysiological physiological study. Then comes AB block. First degree AB block, second AB block, third degree AB block, सबने सुना होगा।
first degree epilogue means simply prolongation of PR interval. If it is more than 20 milliseconds, it is a first degree epilogue. Significance is that suppose a patient comes to you, history of syncope. आपने देखा उसको ECG में तो ठीक चल रहा है, बस थोड़ा सा PR बढ़ा हुआ है और right bundle branch block. That means he is having bifascicular block. PR interval, long PR interval plus RBB, bifascicular block. This patient can go into intermittent CHV. ये जो अभी आपको ECG में दिख रहा है first degree, ये हो सकता है complete heart block में गया हो तब उसको syncope हुई हो. So these patients require further investigation by Holter study or electrophysiological study. Then second degree AV block, सबने नाम सुना होगा, दो तरह के होते हैं, Movitz 1 और Movitz 2. What is Movitz 1? There is gradual prolongation of PR interval and then there is sudden drop. 20 मिलीसेकंड का होगा, 24 मिलीसेकंड का होगा, उसके बाद एक पी के बाद QRS नहीं आएगा, ग्रेजुअल. एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल ऑफ इन्फियो वॉल एमआई सीएचबी के साथ आते हैं, सबने देखे होंगे. सो Movitz टाइप 1, सपोज सीएचबी में आया पेशेंट इन्फियो वॉल एमआई का, उसके बाद वो 2:1 में आया, फिर वो Movitz टाइप 1 में आ गया. So this is a good prognostic sign कि उसका जो है वो AV node अब recover कर रहा है, पहले तो बिल्कुल conduct नहीं कर रहा था, दो conduct करने के बाद एक रोक दे रहा है, धीरे-धीरे आ जाएगा. इसको Wenke Wacking phenomena भी बोलते हैं. And Movitz type 2 is simply AV node कुछ pulse को conduct कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है. Usually it is 1:1, एक conduct करेगा, एक नहीं करेगा. और 2:1 और 3:1 means डिसीज है, थोड़ा बहुत उसमें जान बाकी है, तो एक आध नोड इंपल्स को जाने देता है, फिर नहीं जाने देता, दो को जाने देता है, फिर नहीं जाने देता. देयर इज Movitz टाइप 2 एंड दिस इज Movitz टाइप 1 एंड टाइप फर्स्ट डिग्री, ये अलग कैटेगरी में आते हैं. Movitz टाइप 2 और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इनको हम हाई डिग्री एपी ब्लॉक बोलते हैं. So they are, if it is Movitz type 2 block, it is an indication of permanent pacemaker implantation. Third degree AV block, complete heart block, so we say, there is no relation between P and QRS. P is going on its speed, P is going on. AV node ke through no transmission. Nahi hai. AV node ke niche kahin se to bhi, ya to junction se, ya to ventricle se, uska ventricular rhythm aa raha hai, jo ki 25 per minutes, 30 per minutes, or 35 per minutes. Usually, every week we see one or two patients of complete heart block. Mostly it is degenerative, age-related, and mostly because of severe uncontrolled hypertension, which leads to fibrosis of the conduction system and complete heart block. Third degree AV block. Ventricular tachycardia. Before going to ventricular tachycardia, there is a term called white QRS tachycardia. So most of the ventricular tachycardia are white QRS tachycardia, but few supraventricular tachycardia can also be white QRS. So sometimes there comes a issue how to differentiate between supraventricular tachycardia with aberration or it is ventricular tachycardia. So the thumb rule is, he should see the clinical scenario first. यदि MI की setting है, तो it is not a supraventricular tachycardia with aberration, it is always a ventricular tachycardia. So arrhythmias are identified or decided by the company they have. यदि MI की setting है, it is ventricular tachycardia, white QRS tachycardia. हाँ, किसी को PSVT की history है पहले से, normal heart है, structurally normal heart है. अभी white QRS लग रहा है, तो it can be some SVT with aberration. There are some rules to differentiate, ECG के rules हैं, like यदि किसी ने origin देखा हो, कि suppose monitor चल रहा है, monitor पर recording होती है ना आजकल, trace भी निकल आते हैं, तो
क्यूआरएस पहले आया, उसके बाद पी आया, कि पहले पी आया फिर क्यूआरएस वाइड हुआ? यदि पहले पी आया और फिर वाइड क्यूआरएस हुआ तो इट इज सुप्राविंटिकुलर टैकिकार्डिया विद एब्रेशन, बट पहले क्यूआरएस आया उसके ऊपर टी आ रहा, मतलब ये तो वेंटिकल से आया, वेंटिकुलर टैकिकार्डिया फिर टी दे रहा है। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड कनकॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंट पैटर्न। यदि डिस्कॉर्डेंट पैटर्न है, सपोज जो क्यूआरएस का पैटर्न है अपराइट है कि डाउनवर्ड है, वो फॉलो हो रहा है, जैसे कि लीड में होता है 5 और 6 में अपवर्ड क्यूआरएस होता है, V1 V2 में डाउनवर्ड क्यूआरएस, वो फॉलो हो रहा है लेकिन वाइड हो गया है, इट मींस इट इज अ सुप्राविंटिकुलर टैकिकार्डिया विद एब्रेशन, बट ये सारों में पोलैरिटी एक सी है, मींस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। फिर कुछ कांसेप्ट होता है फ्यूजन बीट और कैप्चर बीट्स का। कैप्चर बीट्स की ऐसे तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया चल रहा है, पर एक पॉइंट कभी उसने जो एट्रियल इंपल्स है उसने कभी एक रिफ्रेक्टिवनेस का ऐसा पॉइंट ये भी नोट पे आया जब वो कंडक्ट हो गया, तो एक आपको नॉर्मल बीट मिल जाएगी वहां पे, बाकी वाइट क्यूआरएस के बीच में, दैट शोज इट इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। सिमिलरली देयर इज अ बीट कॉल्ड फ्यूजन बीट, कि शुरुआत का हिस्सा उसका सुप्रा वेंट्रिकुलर है, लेटर हिस्सा उसका वेंट्रिकुलर है। सो दीज आर 3-4 क्राइटेरिया बाय विच वी डिसाइड इट इज सुप्राविंटिकुलर टैकिकार्डिया विद एब्रेशन और अ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। सो नाउ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बिफोर दैट दे आर सम बीपीसीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन आईसीयू सेटिंग्स, सो समटाइम्स देयर आर नो सिग्निफिकेंस, हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, दे कैन कॉज बीपीसीज। देन when we do intervention or angioplasties, we often see this idioventricular rhythm. The vessel khulti hai, this is a, ya aap log jab thrombolyze karte honge, to ek idioventricular rhythm aata hai. Ya AIVR usko bolte hain, accelerated idioventricular, this is a type of reperfusion arrhythmia. So basically it is a ventricular rhythm, white QRS tachycardia, but of benign nature. But ventricular tachycardia, it can be hemodynamically stable, it can be hemodynamically unstable. यदि stable है तो you can try medical cardioversion, but unstable, hemodynamically unstable means patient is in shock, BP is low, then the treatment is DC cardioversion with synchronization, otherwise it will convert to ventricular fibrillation. एक S का बटन होता है जब defib वो सॉल्व देते हैं ना, तो सिंक्रोनाइज करके यदि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है तो वो सिंक करके उसको कन्वर्ट करना चाहिए डीसी करना चाहिए। एंड देयर इज अ टर्म टॉर्सेडी पॉइंटिस, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया विद मल्टीफॉर्म वेव्स, सो देयर इज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ द इंपल्स फ्रॉम वेंट्रिकल, दिस इज अ सीरियस कंडीशन एंड ऑलवेज रिक्वायर कार्डियोवर्जन। देन टैकिकार्डिया VTVF अपन बोलते हैं कई बार, एक टर्म में VTV चल रहा है, रीजनल फ्लटर फिब्रिलेशन, यूजुअली दीज आर टर्मिनल रिदम्स एंड दे रिक्वायर कार्डियोवर्जन, एंड दिस एवरीबॉडी नोज द लास्ट रिदम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बट सेटिंग्स कैन बी डिफरेंट। एक तो ये होता है कि डिसीज्ड हार्ट है, LVA 10% है, 15% है, 20% है, सो इन दैट केस आप रिवर्ट करते भी हैं तो फिर जाएगा वो, क्योंकि सेटिंग है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, हाइपोटेंशन है, हाइपोपरफ्यूजन है, इस्कीमिया है, बट देयर आर सर्टेन केस जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी VTVF जो कि हाइपर एक्यूट फेज में होते हैं, दे रिस्पॉन्ड वेरी गुड टू कार्डियोवर्जन। एक बार आप, एक बार ही होगा वो, बार बार नहीं होगा, कोई एक इस्कीमिया का एक ट्रिगर आया, उसने एक VT को इंसाइट कर दिया, जैसे ही आपने कार्डियोवर्ट किया एवरीथिंग विल बी फाइन। सो कई बार हम लोग आईसीयू में क्या गलती करते हैं, जब सपोज हम यदि सामने देख रहे हैं, रिदम देख रहे हैं कि अभी भी VT चल गया तो ठीक है, सपोज मॉनिटर नहीं लगा है, देखा नहीं, तो जैसे ही VT या VF एक दो 30 सेकंड से ज्यादा का होगा, पेशेंट को अनकॉन्सियस आएगा, कई बार सीजर जैसे मूवमेंट होंगे, तो व्हाट वी टू इंट्यूबेट द पेशेंट, दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। यदि हमको श्योर है कि इट इज नथिंग एल्स, देन VTVF, शॉक, गिव द शॉक टू द पेशेंट, दैट विल इमीडिएटली
ब्रिंग द कॉन्सियसनेस, और जितना टाइम हम इंट्यूशन में वेस्ट करेंगे उतना उतने में फिर वो कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. सो अगेन दिस इज योर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. Then few words of hyperkalemia and hypokalemia, which we very frequently see in ICU settings. Both the conditions are sometimes life threatening and they produce arrhythmia. So hyperkalemia mein kya hoga? Progressive loss of P wave hoga, dheere dheere khatam ho jayega jaise jaise potassium level badhega. QRS complex wide hota jayega. Various type of intraventricular conduction defect milenge. T wave tall aur wide ho jayegi. और ST सेगमेंट ऑलमोस्ट धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा. कई बार क्या होता है कि जो सीजन फिजिशियन रहते हैं या क्लिनिशियन रहते हैं तो उसमें देखा, उन्होंने कहा पोटेशियम तो 6.7 है, फिर उसने ECG देखा तो यदि सेम टाइम का ECG है नॉर्मल तो बोलेगा यार रिपीट करा दो, ये मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है. तो हाउ डू दे डू दैट, बिकॉज ECG कोरिलेशन इज वेरी गुड विद हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया. सो यू कैन सी अ वेरी क्लासिकल. और बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास ऐसी रिदम लेके एंड यू कंफ्यूज इट विद इस्कीमिया. सो इफ एनी टाइम यू फाइंड एबनॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर नॉट फिटिंग इन एनी टेरिटरी और एनी इस्कीमिक पैटर्न, यू गेट इलेक्ट्रोलाइट डन, स्पेशली पोटेशियम. दिस सीवियर हाइपरकैलेमिया ऑलमोस्ट नो पी वेव. Then in hypokalemia, opposite occurs, progressive diminution of T wave, increase in U wave, depression of ST segment, and it causes AV block, first and second AD AV block. This is a ECG of hypokalemia. Can correlate. Then cardiac tamponade or massive pericardial. Whenever you see a CICG of low complex, बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स है. लो कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रीकॉर्डियल लीड में 5 मिलीवोल्ट से छोटा है और लिम लीड में 10 मिलीवोल्ट से छोटा है, तो इसको हम वोल्टेज क्राइटेरिया से दिस इज सम फ्लूइड आउटसाइड द हार्ट, आइदर इट इज मैसिव पेरिकार्डियल फ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेड. So, हाँ, इसके साथ आपने को ये कैलिब्रेशन भी देखना है, कहीं ये हाफ कैलिब्रेशन पे तो नहीं लिया है. सो यू कैन सी कैलिब्रेशन इज नॉर्मल बट स्टिल QRS कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ लो वोल्टेज. सो दिस इज क्लासिकली ऑफ कार्डियक टैम्पोनेड. सम टाइम इन पेरिकार्डियल फ्यूजन वी गेट इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट QRS कॉम्प्लेक्स आर लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये रूटीन चेकअप वाले पेशेंट आते हैं ना अपने पास, आजकल जो पैकेज सिस्टम चल गया है कि वे रूटीन चेकअप करा लें और उनका जो ECG आ जाता है, कभी टी इन्वर्जन आ गया, कभी टॉल टी वेव आ गया, कभी RVV आ गया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन पैटर्न व्हिच इज ऑल्दो एबनॉर्मल, नॉट फिट इन अ नॉर्मल साइनस रिदम, बट दे आर नॉर्मल वेरियंट, नॉट नॉर्मल, दे आर नॉर्मल वेरियंट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई ट्राइड माई बेस्ट to accommodate as many things as possible.